लाइक जो लोग भी साड़ी पहनने में इंटरेस्टेड हैं या उनको अच्छा लगता है, उनके लिए मस्ट हैव ब्लाउज कौन कौन से हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड इन केस वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभिक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके की साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज पहने। आप लोग हमेशा पूछते हो कि आप कैसे इतना, मतलब आपका रहता है कि आपने कॉटन की साड़ी के साथ ऐसे ब्लाउज बनवाया, ऑर्गेन्जा के साथ ऐसे, नेट के साथ ऐसे, मतलब दीदी हमें भी थोड़ा बताओ कि किस साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज बनवाएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए ना कुछ बेसिक डिजाइन लेके आई हूँ जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से पैटर्न हैं, कौन कौन से डिजाइन हैं जो कि बेसिक हैं, जिनको आप बनवा सकते हो और जो कि अच्छे भी लगते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं। पहले ऑर्गेन्जा साड़ी के ब्लाउज से, तो ज्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि ऑर्गेन्जा साड़ी जो होती है इनपे आप स्लीवलेस ब्लाउज ऐसे और ऐसे ही नेक के ब्लाउज बनवाओ जिनका नेक बस ऐसे नॉर्मल सा होता है, चाहो तो और भी छोटा बनवा सकते हो। ऑर्गेन्जा क्या होती है, ऑर्गेन्जा साड़ी ना पूरी पूरी आर पार दिखती है, अगर आप देख सकते हो तो पूरी आर पार दिखती है। तो इसमें अगर डीप नेक बनवाओगे और ऊपर से पल्ला लोगे तो पल्ले का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पल्ले से कुछ छुपेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ऑर्गेन्जा के साथ हमेशा छोटा नेक पहनना चाहिए। स्लीवलेस पहनोगे तो बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि ऑर्गेन्जा के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर ऑर्गेन्जा साड़ीज को आप पर्ल के साथ स्टाइल करते हो तो अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो स्लीवलेस बनवा सकते हो, अगर स्लीवलेस पे कंफर्टेबल नहीं हो सो यू कैन गो फॉर स्लीव्स। आप स्लीव्स ऐड करवा सकते हो यहाँ तक कि, और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देगा। तो मैं आपको बता दूं, या तो स्लीवलेस बनवाओ या तो यहाँ तक की स्लीव्स बनवाओ, दोनों बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देता है। सो ये फर्स्ट टाइप का ब्लाउज था जो कि मैंने आपको बताया कि आप लोग बनवा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ ब्लाउज जो कि डिजाइनर पैटर्न में आते हैं, जो कि आप बनवाओगे तो लोग पूछेंगे कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो वाला ब्लाउज कौन सा है। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा ब्लाउज जो कि नेट की साड़ी का है। ये नेट की साड़ी में इसलिए बन गया पैटर्न, ये पीछे से ना बैकलेस है, ये इसलिए बन गया क्योंकि नेट की साड़ी में नेट आपको मिलता है ब्लाउज के लिए, और ये पीछे आप यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक नेट यूज कर सकते हो। तो ये सिर्फ नेट में ही बन सकता है। अगर आप नॉर्मल किसी साड़ी में ये ब्लाउज बनवाओगे तो उसमें फैब्रिक होता है, फैब्रिक पीछे लगाओगे पीठ पे तो वो वैसे भी आपकी पीठ नहीं दिखेगी। बट अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो थोड़ा स्टाइलिश लुक, तो आप ऐसा पीठ पे बनवा सकते हो, सिर्फ नेट लगा हुआ है एंड पीछे से डीप नहीं कराना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेट लगवाया है पीछे और वो ऑलरेडी काफी रिवीलिंग है, तो नेक छोटा सा ही बनवाना है कुछ इस तरीके का। ये पैटर्न भी आप बनवा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेट की साड़ीज में चलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न जो कि सैटन की साड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, प्लेन साड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए ना आप ऐसा स्ट्रैप वाला ब्लाउज बनवा सकते हो, बहुत सुंदर सा लगता है। जो भी साड़ियों का फैब्रिक, जो मुलायम वाला फैब्रिक होता है ना, उसके साथ ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसा बनवा सकते हो। ये फ्रंट में भी है एंड ये बैक में भी वी है। बहुत ज्यादा पहना है मैंने इस ब्लाउज को एंड बहुत ही अच्छा फिटिंग था, बहुत ही अच्छा लगता भी है, स्मार्ट लगता है। इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इनकी स्लीव्स को ना थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते थे आपको स्लीवलेस नहीं पसंद है, अब तो आप वीडियोज डालते हो स्लीवलेस बैकलेस। तो मैं जो भी वीडियोज फोटोज डालती हूँ ना, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होती है, पहन के मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी भी मुझे कंफर्टेबल वैसे ही ब्लाउज लगते हैं जो नॉर्मल पहने जाते हैं, मैं कंफर्टेबल उसी में फील करती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न जो कि है ये पैटर्न, ये आप बनवा सकते हो, कि साड़ियों के लिए आप ये वाला पैटर्न बनवा सकते हो। इसमें कॉलर लगा हुआ है, जो सिल्क की मुलायम साड़ियां होती हैं उनमें कॉलर वाले ब्लाउज स्मार्ट लगते हैं। स्लीव्स वही थ्री फोर्थ कोहनी के ऊपर, एल्बो के ऊपर इस तरीके का कॉलर आप बनवा सकते हो, ये भी बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत एलिगेंट लुक देता है। इसके साथ एक और चीज़ अच्छी है कि आपको ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में काफ़ी कंप्लीट लुक होता है, बहुत ऑफिशियल लुक देता है। आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हो और ऑफिस में साड़ी पहनना पसंद करते हो
तब भी यू कैन गो फॉर दिस वन. ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट लुक देगा, बिकॉज पीछे से ना पूरा कवर होता है, फ्रंट से भी पूरा कवर है, यहाँ पे हुक लगा हुआ है जैसे शर्ट में होता है ना, ये पूरा हुक लगा हुआ है, शर्ट जैसा कॉलर है, तो ये बहुत स्मार्ट लगता है. एंड मस्ट हैव वाला पैटर्न है ये, बिकॉज ये पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज्यादा क्लासी है, बहुत कम लोगों को पहने देखोगे, बट वही लोग पहनेंगे जो कि इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं. ये जो स्टाइल है, पैटर्न है ना, ये सब कोई कैरी नहीं कर सकता. इसके साथ मतलब आपको थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है. एंड साड़ी और ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही आप ज्वेलरी वगैरह फाइनल करते हो कि ज्वेलरी मिनिमम रखनी है या बहुत एक्स्ट्रा रखनी है. ज्यादातर कोशिश करिए ज्वेलरी मिनिमल ही रखिए, बहुत हैवी ज्वेलरी जो होती है वो सिर्फ शादी पार्टी में ही अच्छी लगती है, बाकी नहीं अच्छी लगती. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है, लेट मी जस्ट शो यू. पैटर्न का ना एक अपना क्राइटेरिया होता है, तो ये मैंने इस तरीके से बनवाया है. यहाँ पे वी नेक है, मुझे वी नेक बहुत पसंद आता है. बैक में जो है एकदम नेक खत्म है, मतलब मुझे ना पीछे से हमेशा कवर ज्यादा पसंद आता है, जो कि ऑलरेडी बन के आते हैं कोलैबोरेशन के लिए या फिर और किसी रीजन से वो होते हैं बड़े गले. अदरवाइज मैं ज्यादा बड़े गले खुद नहीं बनवाती हूँ. एंड इसकी स्लीव्स ऐसी हैं पूरी, यहाँ पे मैंने बटन लगवाई है. यहाँ पे आप चाहो तो ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ मैंने बकरम नहीं लगवाया, आप इसको बकरम लगवा लोगे ना तो यहाँ टाइट टाइट रहेगा, तो वो भी अच्छा लगेगा. जो भी मुलायम साड़ियां होती है ना, उनके साथ ऐसे ब्लाउज अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर आप उसको ना ऐसे कैरी कर सकते हो. फुल स्लीव जो है वो अपने आप में बहुत डिसेंट लुक देता है, बट आप उसको सही तरीके से कैरी करो. ज्यादा चूड़ी वगैरह का झंझट नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कड़े पहनने होते हैं, दैट्स इट. सो बहुत स्मार्ट लगता है, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत प्यारा पैटर्न है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न जो कि मेरा रिसेंट का पैटर्न है एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. लेट मी जस्ट शो यू. ये ब्लाउज मैंने अभी तक नहीं पहना है, क्योंकि इसके साथ मैंने पिंक कलर का ब्लाउज पहन लिया था. तो ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज है जिसमें मैंने ये वाला नेक बनवाया है. ये नेक बहुत सुंदर लगता है आपकी सिल्क की साड़ियों के लिए. सिल्क की साड़ी के लिए अगर कोई बहुत लेटेस्ट डिजाइन आप रखना चाह रहे हो अपने पास, तो आप ऐसा कुछ रख सकते हो. सिल्क की साड़ियों के साथ या तो आप राउंड नेक बनवाओ, या तो आप वी नेक बनवाओ, या तो आप स्क्वायर बनवाओ, या फिर आप ये बनवाओ, ये भी बहुत स्मार्ट लगेगा, या फिर आप जीरो नेकलाइन बनवाओ. मतलब ये कुछ पैटर्न है जो कि आपको डिसेंट दिखाते हैं सिल्क की साड़ियों में. सिल्क की साड़ियां ना अपने आप ही उनकी जो सुप्रीमेसी है वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट वाली है, तो उसके साथ बहुत कटे पिटे यहाँ लेस लगवा के यहाँ पे इतना बड़ा होल करवा के वो सब नहीं अच्छा लगेगा, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ. तो अगर आपको डिसेंसी रखनी है तो आप इस तरीके का ब्लाउज सिल्क में बनवा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा. पीछे पूरा हुक होता है इसमें, पीछे पूरा हुक होता है एंड स्लीव्स ये इसकी एल्बो के ऊपर वाली हैं. इसके अलावा सिल्क के लिए ना एक ये पैटर्न भी बहुत चला है. अगर आपको किसी वेडिंग में सिल्क की साड़ी पहननी है, साड़ी बहुत हैवी है, तो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ पैटर्न. ये बहुत सुंदर सा पैटर्न है, बड़ा खूबसूरत सा. ये पूरा हैंडवर्क हुआ है इस ब्लाउज में, ये मुझे आया था कोलैबोरेशन के लिए. एंड बैक से ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ये पैटर्न भी आप बनवा सकते हो. पहले चलता था, अब कम चलता है ये सब, लेकिन अभी भी अगर आप बहुत ऐसी ना पिंक सी साड़ी से, पिंक साड़ी के साथ का ब्लाउज है, तो वो साड़ी बहुत सुंदर लगती है. तो आप अगर पहनोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं. वेडिंग वगैरह में अगर आप थोड़ा हैवी लुक चाह रहे हो तो आप ऐसे लुक के लिए जा सकते हो. आजकल तो जो ब्राइड्स होती है ना, मैंने उनको भी देखा है, वो भी एकदम जीरो नेकलाइन पहनती है, दीपिका पादुकोण वाली, तो वो बहुत अच्छी लगती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न जो कि है ये पैटर्न. इसमें भी फ्रंट में वी नेक है, बैक से जीरो नेक लाइन है. इसमें आप पफ बनवा सकते हो, ये नॉर्मल सी कोई भी साड़ी आपकी चलेगी. ये पैटर्न जो है ना, ये आपकी किसी भी घर की साड़ी में चलेगा, किसी भी कॉटन की साड़ी में चलेगा. कॉटन साड़ी मतलब समझ रहे, जो आजकल कॉटन की साड़ियाँ चली हैं, खादी वाली साड़ियाँ चली हैं, उनके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है. ऐसे हल्का सा स्लीव्स, वी नेक, और आप कॉटन की साड़ी बस अच्छे से कैरी कर लो, दैट्स इट. तो ये लुक भी बहुत प्यारा लगता है, आप लोग ऐसा बनवा सकते हो. सिंपल सा है, बस खाली स्लीव्स जो है इसकी पफ वाली है, दैट्स इट. बाकी कुछ भी नहीं है ब्लाउज में, बहुत सिंपल एंड बेसिक है और बहुत सुंदर लग रहा है. आप लोग इसके लिए भी जा सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जीरो नेकलाइन वाला पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, जो कि आपके गर्दन पे ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही खत्म होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी डिसेंट पैटर्न. इसकी जो स्लीव्स है वो एल्बो तक ही, मेरी ज्यादातर ब्लाउजेस की जो स्लीव्स होती है ना वो एल्बो तक ही होती है. एंड बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ, बिकॉज वो मेरे नेचर में है, इसमें मुझे काम करने की जरूरत है. पीछे पूरा इसमें हुक लगा होता है एंड फ्रंट में ये इस तरीके से है. ये जीरो नेकलाइन का ब्लाउज है, बहुत शानदार, सुंदर और प्यारा लगता है. ऐसा है ना कि इसको पहन के आप झुक रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप अनकंफर्टेबल तो फील कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो मुझे इस ब्लाउज में ना बस खाली इस चीज की श्योरिटी बड़ी अच्छी रहती है कि कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है और मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूं. इसके अलावा जो मैं ना ब्लाउजेस कुछ पहनती हूँ, पीछे गोल सा रिंग लगवा के, पीछे बैकलेस में ढेर सारी डोरियां लगवा के, तो ट्रस्ट मी, डेली लाइफ में या मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ज्यादा वो वाले ब्लाउज पहनती नहीं हूँ. इसलिए नहीं पहनती हूँ, बिकॉज
मैं कहीं जाती नहीं हूँ उस तरीके से, मैं मंदिर जाती हूँ ज्यादातर, हमारे घर के सामने मंदिर है, ज्यादातर मैं वहीं जाती हूँ, कुछ भी कार्यक्रम होता है या होता रहता है हर कुछ समय पे, तो मंदिर में वो सब पैटर्न अच्छा नहीं लगा, तो मंदिर में ना मैं कोशिश करती हूँ ज्यादातर ऐसे ही ब्लाउज पहनने के जो मेरे जीरो नेकलाइन वाले हैं, या फिर और कहीं जाने घर की शादी वादी में भी जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं इतना ज्यादा तामझाम वाला ब्लाउज पहनूं, तो मैं खुद पर्सनली बहुत डिसेंट ब्लाउज पहनती हूँ, एंड मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे डिसेंट ब्लाउज पहन सकते हैं, बिकॉज इनको पहनने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार वहां तो इतने लोग होंगे वो देखेंगे तो कैसा लगेगा, बिकॉज ये अपने आप में स्मार्ट लग रहे हैं। सो दीज आर द पैटर्न्स जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, लेटेस्ट है एंड मस्ट हैव पैटर्न्स हैं, जो कि आपके क्लोजेट में होने ही होने चाहिए अगर आपके पास साड़ियों का अच्छा क्लोजेट है तो। अगर आप साड़ी पहनने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये डिजाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा लगेगा। एंड वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, एंड लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए यार, और प्लीज बताना किसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, फिर उस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा, उसको पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, एंड नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।